हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं सरफेस टेंशन वाटर के लिए कैपिलरी मेथड से। जो थ्योरेटिकली अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एसेंट फॉर्मूला होता है जो राइज और फॉल बताने के काम में लिया जाता है। यहाँ डायमीटर गिवन है, उसकी ये वैल्यू है और हाइट की ये वैल्यू दे रखी है। ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है और एक नया रिलेशन इन लोगों ने यहाँ पे अपन को प्रोवाइड कराया हुआ है। ध्यान से देखिए रिलेशन को, थोड़ा बहुत चेंज है इसका एसेंट फॉर्मूले के कंपेयर करेंगे तो, बट ये दिया है तो हमको यूज इसे करना है। एरर्स बताने ही बच्चों इसमें। और कैपिलरी का एक जनरल सा मेथड होता है, डेंसिटीज हैं दोनों के, वाटर का यूजुअली कम डेंसिटी है और मर्करी का ज्यादा रिलेटिवली, तो राइज और फॉल किया इसने। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो फॉर्मूला है टी इक्वल टू आर एच जी डिवाइड बाई टू, और ये कॉन्स्टेंट सा टर्म दे रखा है। इस फॉर्मूले को देखोगे तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, मतलब मोस्ट पॉसिबल है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और एरर निकालना है तो पहले तो मैं रिलेटिव वाला टर्म लिख देता हूँ इसका, वो कैसा होगा बेटा, डेल्टा टी बाय टी, ठीक। आर को लिख सकते हो आप लोग डेल्टा आर डिवाइड बाय आर प्लस हाइट हो जाएगा, तो इसको लिख लो डेल्टा एच बाय एच, राइट। तो अगर मैं यहां से देखूं तो यहां पे डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर और रेडियस ऑफ कैपिलरी, यहां पे रेडियस ऑफ कैपिलरी का एक सीधा सा रिलेशन क्या बनता दिखता है, ये डी बाय टू के टर्म्स होंगे, टू फिर से कॉन्स्टेंट होगा, तो ये आपको इम्प्लाइज कर देगा कि आप ये यूज करिए बेटा, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ डी डिवाइड बाय डी प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ एच डिवाइड बाय एच। अब ध्यान दो, ये आपको पता करना है ये पूरा टर्म रिलेटिव और उसके साथ साथ परसेंटेज, क्योंकि आंसर परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पे ये अपन को गिवन है, ये गिवन है, ये चीजें कहां से लाई जाए, है ना। तो जब रीडिंग्स कोई मेजरमेंट से लेता है ना, मेजरमेंट से उनको रीडिंग मिलती है तो इसी के साथ साथ ये पता पड़ जाता है कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी और जहां से आप लिख सकते हो डेल्टा ऑफ डी कितना होगा। ये टॉगल करेगा तो कैसे करेगा, 0.01 होगी नेक्स्ट वैल्यू, तो इसमें गलती होने के चांसेस यही वाले होंगे और मल्टीप्लाई बाय जो पीछे लिखा होता है वो अपन लिख देते हैं। सिमिलरली इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा ऑफ एच हो जाएगा सेम है वो भी 0.01 × 10⁻²। अब सब कुछ अपन को मिल गया है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी, रिलेटिव एरर आ रहा है बेटा ये, तो डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा 0.01 × 10⁻², और डी अपन को गिवन है 1.25 × 10⁻², प्लस डेल्टा एच वहां लिखा है 0.01 × 10⁻², एंड नाउ यू आर हैविंग 1.45 × 10⁻²। बहुत यहाँ पे कैंसिलेशंस कर लेते हैं अपन और ये डेसिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक। और थोड़ा बहुत आप ध्यान दोगे तो 1/125 होगा 0.008 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0069, जो कि क्लोज आ रहा है बेटा हमारे 0.0149। लेकिन ये बात का ध्यान रखो कि ये सिर्फ रिलेटिव है, अगर सर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों एंड पे तो ये चीज कहां चली जाएंगी, जैसा आपका आंसर में पैटर्न दिया है, देखो जरा अच्छे से परसेंटेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन परसेंटेज में पॉसिबल एरर, जिसको मैं यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन कर देता हूं, और ये टर्म हो जाएगी 1.49 जो क्लोज है आपके 1.5% के, और ऑप्शन 2 यहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। इजी प्रॉब्लम में जाएगा क्योंकि आप यूनिट बहुत बारी पढ़ते हो, ये देखते ही अपन लोग ये चीजों को लिख सकते हैं और काफी इजीली अपन समझ जाएं कि इसके यूनिट्स और वैल्यूज क्या होंगे। छोटा सा कैलकुलेशन है और आपका आंसर सीधे सीधे मिल रहा है, ऑप्शन 2 होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।